तो भाई फिर से वापसी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ऐसा ही है सही। तो भाई आ गई है मंडी की गाड़ी, आ गई है मंडी, आ गए हम, जानवर उतार के जा रही है, देख लो फुल जानवर वाला सीन है अंदर। तो भाई हम लोग आ चुके हैं पाकिस्तान का बिगेस्ट शो जो होता है हर साल, डेल्फा कैटल शो। ऐसा ही है अवेश भाई, सही है भाई, हम तो जानवर को शौकीन है तो आना पड़ता है यार। बिल्कुल, साल में एक दफ़ा होता है। हमने गाड़ी लगा दी है अपनी पीछे, गाड़ी का टोकन नंबर याद रखना और सामने डेल्फा लगा हुआ है, तो फटाफट से कदम बढ़ाते हैं, आ जाओ चलते हैं। आ गए पहले डांस कैटर की तरफ और ये देखो बचले बचले खड़े में फुलौन सीन है, और पीछे वहाँ पे ढोल ढड़क के चल रहे हैं। इसकी शादी हो रही है? ये शादी नहीं हो रही यार, क्या हो रही है, शादी थोड़ी हो रही है, जानवरों वानवरों की शादी तो नहीं हो रही सूरती वालों की ओपनिंग हो रही है भाई, बहुत आवाम वहाँ पे खड़ी हुई है, और ये आप देख सकते हो फुल खतरनाक पैराडाइज वाले बछड़े हैं, ये वही बछड़े हैं मुस्तफा अनीक भाई के ब्लॉग में जो ऊपर नहीं चढ़ रहे थे, बहुत हैवी बछड़े हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ढोल वोल पिट रहे हैं फुल पीछे, समझ रहे हो, पैराडाइज कैटल की बछड़ी, आ हा हा, दिल पे समझो गुलाब आ गया है, जो बछड़ी है यार वीआईपी सीन है, क्या बोलते हो ऐसी खूबसूरती देख के। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा, आ चुके हैं सूरती कैटल फार्म की तरफ, इसके भी फुल खतरनाक बछड़े हैं, फुल है भी, दिख नहीं रहा भाई, दिखाने नहीं चाह रहे अपना बच्चा है, इनका बच्चा शहर से तो नहीं लग रहा क्या पता, मैं छोटा, ये छोटा है भी, छोटा है तुम बोल रहे हो, उसका बच्चा है। अबे साले तभी सी फुल समझो, एक और खतरनाक सी चीज सामने आ रही है, इसको क्या कहते हैं अवेश भाई, इसको यार 10 तरह के लोग कहते हैं, कोई भैंसा कहता है, कोई पाटा कहता है, तो भाई ये देख सकते हो आप लोग फुल गुलाब की सिंह, देख लो सिंह कैसा है इसका भाई, ये बताओ हेयर कट चेक करो, हेयर कट हुआ हुआ उसका, हेयर कट भी हुआ हुआ फुल, बर्गर कटिंग हुई है, बर्गर कटिंग हुई भी, और माशाल्लाह माशाल्लाह भाई बच्चिया चेक करो यार, ओह बड़ा जिसम छोटा मुँह, हाँ हाँ दिल आ गया इस बच्ची को, लाइटें जल गई हैं, लाइट आ गई कराची में रहते हुए, लाइट आ गई, बॉस कैटल फॉर्म का पार्टनर बच्चा है, ये बड़ा खतरनाक है। खाने मसरूफ है और उसके पीछे ये बछड़ा गुलाब है, और बहुत प्यारी बछड़ी है भाई ये, और ये अवेश भाई क्या कहते हो कितने की होनी चाहिए, ये जानवर भटक गया, जानवर भटक गया, देखा ओहो फुल फुल प्रोफेशनल फोटोग्राफर लगाना, ये लगा, हाँ हाँ ओहो ओहो माशा, बहुत प्यारा बछड़ा, मेरे को ऐसे बच्चे बड़े पसंद है यार, इसका एक अलग लेवल है, इसका एक अलग लेवल है, क्या वाली का प्रोग्राम चल रहा है, सही है, एक आया हुआ शब्बीर का कवाल, एक आया हुआ अलगेट का कवाल, फुल ऑन पसंद है, ये बछड़ा पहले भी आया था, अभी भी आया है, माशाल्लाह बहुत गोल बच्चा है, बहुत गोल बच्चा है, ये देख सकते हो आप, बहुत खूबसूरत भी बच्चा है। तो अवेश भाई क्या कहते हो इसके बारे में, तुमने पहले ही बता दिया मैं क्या हाँ भाई ये भाई जा रहे हैं इनसे पूछते हैं, हाँ बॉस, अबे भाई फुल इग्नोर, फुल एटीट्यूड, सेलिब्रिटी लग रहा है ये तो, इग्नोर करके गया यार, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर भाई, बछड़ा दिखाई ये भैया जी कैटल फार्म का, और एक और आपको बच्चा दिखाता हूँ, उसके पाँव देखो ये दांतों में कोई आर्ट लग रहा है, अभी ये जुगाली कर रहा था मैंने देखा, पूरे दांत का बछड़ा भाई, ओए 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 ओए, मेरी हाइट से ऊपर बच्चा है यार, बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा है, पूरे कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा यकीन करो, और एक वो बेचारे के साथ बैट सीन हुआ हुआ है बछड़े के साथ, अभी मैं उस बछड़े को क्या हुआ भाई, ये शायद बीमार वगैरह है, वो थोड़ा बीमार, और ये बैठे हैं, इनको बैठने दे दिया, बड़ी बात है, वरना यहाँ पे सारे बछड़े बेचारे खड़े हुए होते हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारा मान है, हाँ हाँ अच्छा बैटर, कम ईयर कम ईयर। 5 minutes later वो देखो, ये देखो ये देखो और ये देखो भाई, ये अभी इससे ज़्यादा इसका वजन होगा, बछड़ा बकरेगा, इस पे पानी है, जरा पेट में पानी है, बाप रे ये तो धोती खोल रहा है, ये तो धोती खोल रहा है भाई, असल में जो चीज़ है वो आ गई है आज, मैंने फर्स्ट टाइम जैसे देखा है इधर, पिछली बार नहीं आए थे, धानी नस्ल इसका नाम है, बहुत खतरनाक है, अगर ये अगर जिद पर आ जाए ना जानवर तो किसी को नहीं बख्शता, ऐसा ही है, अगर ये जानवर जिद पर आ जाए तो किसी को नहीं बख्शता,
अभी से जल में दिखा रहा था वो, ये देखो भाई बहुत खतरनाक माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत होता है, नज़ाकत वाले जानवर होता है, बड़ा खूबसूरत जानवर। ये भाई मालदेगा बहुत खतरनाक जानवर है माशाल्लाह, पुरानी नस्ल है, बहुत कम पाई जाती है कराची के अंदर, रियल नस्ल है, रियल आती नहीं है, पहली बात तो बुक होती है ये पहली। और ये देखो बच्चा कैसा खड़ा हुआ भाई, फुलॉन सीन है। हमने यहाँ जानवर भी देख लिया, घोड़ा भी देख लिया, और अब बाकी थी बस सीवियो के गधे देखने, घोड़े देखने की है। सीवियो वाला माल भी आया हुआ है, 100-100 रुपए, 200-200 रुपए में एक चक्कर लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। और बाकी फिर ये ऊँट भी आया, मैं दिखाता हूँ एक बहुत हैवी बछड़ा, और ये घोड़ा आ रहा है कहीं हमें ना बच्चे। ये अनलोडिंग वगैरह मेरे पीछे ही हो रही है, तो बहुत खतरनाक सीन है, जाने तो डर भी नहीं, मिट्टी वट्टी वाला सीन है, मैं तो आ गया हूँ, जैसे रज वगैरह भी है, सही है, एहतियात से उतार रहे हैं, अच्छी बात है। और ट्रैक रेस होती है जानवरों की, हैं यहाँ पे फुल शो होता है, कैटल शो, जो पब्लिक जानवरों की समझो मॉडलिंग होती है, ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे, दिखाते हैं जानवर शो ऑफ वगैरह करवाते हैं। आज वगैरह नहीं हो रही, आज जानवर थके हैं, आज पहले ही दिन है डेल्फा का, तो आज हम पहले दिन ही टपकते हैं। Many hours later. सिर्फ आपको अगर एक बकरी की रेट बताना है तो अविज भाई बकरी के रेट बताना क्या थे वो? 4.5 लाख। 4.5 लाख रुपए का सिर्फ इतना सा बकरा था, मेरे समझो पाँवों में आ जाए, इतना बड़ा इतना सा बकरा था, 4.5 लाख रुपए का। आ जाओ बकरा दिखाता हूँ आपको, डांसर। बड़ी खतरनाक खुशबू आ रही है इसमें तो भाई, है ना, इसलिए खुशबू आ रही है। देखिए इसके सिर्फ दो बछड़ा आपको दिखाते हैं, बड़ा आतंक बछड़ा है, तबाही बछड़ा है माशाल्लाह से, और वजन में हाइट में ओहो माशाल्लाह भाई, कमेंट में लिख दो ऐसा ही एंगल, बिल्कुल पूरे फ्रेम में नहीं आ रहे, इतना बड़ा बछड़ा है भाई ये, आप करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो देखने के लिए माशाल्लाह बड़ा खतरनाक बछड़ा यार, एक ये है और एक ये हैवी सीन है इन दोनों का। अल्फा के अंदर भी शायद चोरी वोरी हो गई है वेस भाई, तुम्हें पता चला? मैं भाई इधर जानवर आए नहीं है अभी। अच्छा, जानवर ही नहीं आए अभी, तो आ रहे हैं, वो जो अनलोडिंग हो रही थी वो यहाँ के जानवरों के लिए थी, यहाँ पे आने वाले हैं, फुल हैवी सीन हो जाएगा। माशाल्लाह बड़ा खतरनाक जानवर है यार, बड़ा हैवी माल है, और ये ब्लैक ब्यूटी मेरे सामने आ चुकी है माशाल्लाह, बची है गुस्से में खड़ी है, गुस्से में ऐसा ही है, ब्लैक ब्यूटी फुल ब्लैक ब्यूटी गुस्से में, आज आगे नहीं आना, नहीं आगे जाने का काम नहीं है भाई, तीसरे में चौथे में आपके अंदर गुम हो जाएगी ये जो चीज़ है ना, मैं कहता हूँ भाई एंड माशाल्लाह अल्लाह नजर बच्चे बचा है माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है, बच्चे ही है ना, डरो नहीं पहले हाथ लगाओ, चलो यार हाथ बात का क्या सीधो, ये क्या है, टेंशन नहीं लो, डर रहा हूँ, मुझे पता था डर रहा हूँ। हाँ तो भाई आप लोग बताओ जानवर कैसे लगे, हमने यहाँ पे घोड़ा भी देख लिया, गधा भी देखो, तू चुप रहे बाबा अभी लाहौर में होते तो गधे भी होते, हो सकता है या लाजमी होते, तो भाई माशाल्लाह बहुत क्लास जानवर, तो और भी यहाँ पे बर्ड्स वगैरह भी आए, मैं वो ज़्यादा कवर नहीं कर रहे मैंने, क्या बात है, डर क्या लग रहा है, एहतराम है बस साथ जी आ रहे हैं। 5 minutes later. हाँ तो भैया लोग, जैसे ही हम बर्ड्स वाली साइड पे बैठे तो ये तोते ने मकाओं ने हमारा वेलकम किया अपनी मुंडी हिला के, और इधर रश इतना तक कि ब्लॉग बन नहीं सका, फिर जाते जाते डकी भाई को भी सलाम पेश कर दिया, उसके बाद इसको देख के अपने दोस्त की याद आ गई है, मेरे दोस्त में मिल रही है, तो बाहर चलते हैं, आ जाओ फटाफट से, झूठ बोले डर में भरोसा मुझे, उड़ूंगा बिना पर।